सरकार ने आपदा राहत कोष की स्थापना की है ताकि सभी आपदाग्रस्त परिवारों का मदद हो सके। परंतु बहुत अफसोस की बात है कि सिद्धार्थनगर जनपद के डुमरियागंज ब्लॉक के पुरैना गांव निवासी कृपावती सहित 10 लोग के गन्ने के खेत में आग लग जाने के कारण 28 बीघा गन्ना जलकर खाक हो गया था। इस घटना के 3 महीना बाद भी अब तक इन परिवारों को मुआवजा नहीं मिल सका। कल मेला हम सब लोग रहन पूरे पलवा हम लोग फोन भाई मेला से आए तो पूरा गन्ना जर गए। गन्ना जरा है गांव में कुल मिला के 27.5 बीघा, 8 बीघा हमार जरा है घर के निजी गन्ना। तो एक बीघे में कितना पैदा हो जाता है गन्ना? कम से कम तो 20,000 के गन्ना होते हैं। 20 के हिसाबे जान लो 1,60,000 के बनते। अब गन्ना कह चाह जाता कि कृपा हो कह दिया जा आप लोग हमें के कोनो आमदनी ना है, पढ़ाई लिखाई लड़कियन के गरीब आदमी कहाँ जावा जा। हमारे गांव में 28 से 30 बीघा गन्ना जर चुका है और सब लोग मिलकर मेला गए थे, बुझाने वाला यहाँ कोई नहीं था, पूरे गांव की गन्ना सब साफ हो गया। तो आग लगने के बाद कौन कौन से लोग यहाँ आए थे? यहाँ पर आए थे पटवारी आए थे और दरोगा आए थे, उसके बाद कोई सुनवाई यहाँ पर नहीं हुआ। फिर आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं कि सरकार हमें मुआवजा फुल दिए। मुआवजे के लिए हम क्षति का आकलन करके जो वर्तमान दर है इसकी सरकार द्वारा निर्धारित प्रचलित भाव के हिसाब से आकलन करके तहसील मुख्यालय को भेजेंगे। आग लगा है, नुकसान हुआ है, काफ़ी नुकसान हुआ है, किसान हैं, गरीब मजदूर टाइप के लोग हैं, सहायता इनको अवश्य मिलनी चाहिए जितना भी संभव हो। आप सभी वीडियो देखने वाले दर्शकों से हमारा अपील है कि आप लोग डुमरियागंज तहसील के SDM का मोबाइल नंबर है 94-54-59-38 पर कॉल कर दबाव बनाएं ताकि इन सभी परिवारों को मुआवजा मिल सके। मैं परमजीत, सिद्धार्थनगर उत्तर प्रदेश से, इंडिया अनहर्ड के लिए।